सो गाइस गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी आप लोग वंडर कर रहे हो भाई कि मैं ये अवतार में क्यों हूँ जबकि अपन राइडर है, अपन राइडर के अवतार में होने चाहिए। वेल, जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे मेंशन किया था, देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द प्लान। रीजन बीइंग, सबसे पहली बात जो मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ पहले तो, बट उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ये मत सोचना कि भाई मतलब इतना दूर आए तुम लोग बाइक से और फिर तुम लोग जो है ये कर रहे हो। आई एम अ ट्रैवलर, मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ। ऐसा कुछ रूल नहीं था कि भाई बाइक से एक्सप्लोर करना है या कुछ, बट हाँ ऑब्वियसली पुणे से मैं चला के आया हूँ तो आप लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं जो है बाइक से हर जगह घूमूं। पर मैं बाइक से आज क्यों नहीं घूमने वाला हूँ बताता हूँ। पिछले व्लॉग में जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग जो है बाइक वॉश कराने गए थे लास्ट में। और एक बात यार, आप लोग लास्ट तक व्लॉग देखा करो क्योंकि मैं हर बार जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि पिछले व्लॉग में क्या हुआ था। सो एक रिक्वेस्ट है कि एंड तक पूरा व्लॉग देखो जिससे कि आप स्टोरी लाइन में जो है बने रहो। गेटिंग टू द पॉइंट, हम लोग पिछले व्लॉग में जो है बाइक धोने गए थे, तो बाइक धोने के बाद हमको एक ऐसा पता चला, अपनी तो एकदम फर्स्ट क्लास है बाइक, जैसा कि आप देख सकते हो धो के अपन ने एकदम पार्किंग में सेट कर रखी है। देयर इज नो इशू विद दिस बाइक, बट देयर इज अ बिग इशू विद दिस बाइक। जैसा कि आप देख सकते हो ये टायर जो है यहाँ घिस रहा है पूरे मडगार्ड पे, और इधर से जो है पूरा मडगार्ड उसने चीर दिया और ये मडगार्ड जो है टूट गया है या ये अंदर ही रह गया है मतलब, और पूरा जो है रेडिएटर खराब कर चुका है। तो अभी सीन ऐसा बन रहा है कि वो टायर ओवरसाइज्ड है या क्या है वो तो भगवान ही जाने, बट इतने दिन तक उस पे मिट्टी थी ऐसे आंखों में नहीं आया। बट अब जैसे हमने धोया वो साफ हुआ, हमने देखा यार ये तो बहुत बड़ा इशू है। जैसे ऋषि चला के ला रहा था वॉशिंग सेंटर से यहाँ तक, गाड़ी इतना जोर से आवाज कर रहा था। द ओनली थिंग इज आपको वो मड फ्लैप निकालना पड़ेगा, तो फिर रेडिएटर की वैसे ही बैंड बच जानी है। तो हमने ये सोचा है आज विदाउट रिस्क लेते हुए बाइक्स रखते हैं। अपन ने जो है अपने लिए कैब बुक कर दी है। ले का जो वेदर है क्लाउडी प्लस बहुत प्लेजेंट है, 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है यहाँ। कैब आने वाली है हमारी 7 बजे, अभी टाइम हो रहा है 6:45 इन द मॉर्निंग। मैं नहा धो के एकदम तैयार हूँ, वी आर ऑल सेट। आज हम लोग जो है जाने वाले हैं पैंगोंग TSO। बहुत ही एक सीनिक लोकेशन है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल लेक है। लिटरली मतलब जो बंदा ले आता है वो पैंगोंग जाता ही जाता है। पिछली बार हम लोग क्यों नहीं जा पाए थे, द रीजन बीइंग रस्ते का काम चल रहा था और रस्ते बंद थे वहां एंट्री के लिए। बट इस बार जो है अनफॉर्चुनेटली बाइक पे जाना था, मुझे बहुत इच्छा हो रही थी, बट नेवरदलेस जो होता है अच्छे के लिए होता है। कंफर्ट में चले जाएंगे, व्लॉग में कोई कमी नहीं होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। पूरे जोश और एनर्जी के साथ ये व्लॉग को शुरू करते हैं। सब बताऊंगा, कैब रेंटल्स कैसे होता है, चार्जेस वगैरह सब बैठ के अपन आराम से बात करेंगे इस व्लॉग में। ज्यादा हो गई बातें, चलो। तो गाइस सीन इतना सा है, अपन ने अपनी दोनों जैकेट्स कैरी कर लिए हैं जस्ट इन केस। मैंने सुना है पैंगोंग बहुत ठंडा होता है, और हमको जो पिकअप पॉइंट बोला गया था होटल याकटेल बोला गया था, जो कि हम लोग अभी चल के जा रहे हैं जिस तरफ। हमारे होटल से हार्डली अराउंड 200 मीटर भी नहीं होगा, इसलिए वो पिकअप पॉइंट रखा था। बहुत नोन होटल है यहाँ का ऑब्वियसली, तो वहां तक चल के जा रहे हैं। और ऋषि भाई पीछे से आप देख सकते हो, आज पहली बार हम लोग टूरिस्ट फॉर्म में जो है घूम रहे हैं। हम लोग रोज आप लोग राइडिंग गियर में देखते हो, और आज हम लोग जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कहाँ जा रहे हैं, पैंगोंग लेक। कैब के लिए रुकते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ जी, तो अपनी गाड़ी आ चुकी है पीछे जैसा कि देख सकते हैं आप लोग इनोवा। और भैया एक बार हाई बोल दो ब्लॉग में। ये अपने जो है आज अपने को ये पूरा पैंगोंग घुमाने वाले हैं, मजा करेंगे, पूरा सही से दिखाएंगे। चलो चलते हैं। हाँ तो भैया कहाँ है भैया अपन? हारू में। हारू इधर क्यों रुके हैं अपन? हम इधर ब्रेकफास्ट के लिए। इसके आगे कुछ मिलेगा नहीं अपने को? ढाबा कम मिलेंगे। कम मिलेगा क्या? हाँ। तो अभी यहाँ से हम लोग पैंगोंग के लिए कट लेंगे। उधर ढाबा वाबा कम है भैया बोल रहे थे, तो जो है यही है। ये अपनी गाड़ी, आज का राइड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, भैया काफी ज्यादा एडवेंचर में चला रहे, भैया फुल फील लेते हुए चला रहे, सेफली पहुंचा देना बस। बाकी तो आप मजे लेके एकदम जितना थ्रिल दे सकते हो दे दो, चिंता नहीं है। अभी नाश्ता पेलते आराम से, देखते क्या मिलते क्या नहीं। आई कीप यू गाइस अपडेटेड। नाश्ता जैसे कि आपने देखा पनीर द पराठे जो है अपन ने पेल लिए हैं। अब ऐसा सीन है कि इसके बाद जो है नेटवर्क गायब, इसके बाद देर विल बी नो नेटवर्क, और मैं शायद थोड़ा फनी लग रहा हूँ, बट हाँ अभी फनी नहीं लग रहा हूँ, नेटवर्क चला जाएगा। तो बस अभी जो है व्यूज के मजे, और गाड़ी में ट्रैवल करना एक्चुअली ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है और ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि हमको ज्यादा चीजों के बारे में सोचना नहीं, आराम से चल रहे हैं, बेफिक्र चल रहे हैं, मजे में चल रहे हैं। क्या बोलता है ना, बहुत ज्यादा मजे में एक्चुअली चलते हैं, निकलते हैं।
जैसे कि अपन चालू कर चुके थे अपनी ड्राइव, बोलेंगे आज तो राइड बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ड्राइव बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस। आप देखो भाई पूरा तगड़ा सा रास्ता एकदम ऑफ रोड पैच, और यहाँ हम लोग बाइक लाने की सोच रहे थे बट वी मेड अ गुड एंड अ लॉजिकल एंड अ प्रैक्टिकल डिसीजन बाय कमिंग बाय कार, क्योंकि हमारी तो बैंड बच जाती और वन डे रिटर्न हो नहीं पाता। मैंने आप लोगों को शायद बोला नहीं कि वन डे रिटर्न होने वाला है ये चीज, हम लोग सुबह निकले थे और शाम तक वापिस आ भी जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी भैया बहुत एडवेंचरस राइड दे रहे हैं, एकदम हमको मजा आ रहा है, एकदम झूलते झूलते चल रहे हैं। एक्चुअली हाँ बहुत बम्पी राइड चल रहा है अगले व्यूज के साथ। गाइज बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे चढ़ चुके हैं, मजा आ रहा है, छोटे छोटे ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, बट व्यू क्या बोलूं मैं, मजा आ गया। थोड़ा थोड़ा स्नैक्स चल रहे हैं, मंचिंग चल रही है, मजा आ रहा है, ऑक्सीजन का कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है बट बहुत ही तगड़ा फील है। द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड बाय कमिंग बाय कार, बाइक पे तो नहीं हो पाता यहाँ, मतलब मुश्किल होता, हो पाता बट मुश्किल हो जाता हमारे लिए। फुल एडवेंचर, एडवेंचर इज ऑन। और भाई मतलब कभी सोचा नहीं था ये भी कर लेंगे जिंदगी में, पिछली बार रह गया था। और यहाँ जो है ठंडी बहुत है, वाइब बहुत ज्यादा तगड़ा सा है, और ये जब मैं ये सब चीजें फ्लैग्स देखता हूँ ना, क्लास फील होता है यार। ये लिटरली एक क्लासिक, क्या हुआ, बहुत तगड़ा फील है, बहुत सही, मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस मोमेंट को, और कुछ नहीं, आई एम जस्ट लिविंग इट। लास्ट 50 किलोमीटर रह गया है पैंगोंग के लिए, हार्डली एक घंटा लगेगा, और हम लोग जो है बहुत ज्यादा ही सीनिक लोकेशन पे रुके हुए हैं, जो आप अभी देखोगे कैमरा के पीछे। पानी बह रहा है जैसा कि आप देख सकते हो, और पहाड़ तो चलो अभी आप लोगों के लिए इतना दिखा दिया, पहाड़ तो बहुत कॉमन हो गया, बट हाँ पानी इतना ज्यादा साफ, लिटरली भाई ये देखो तगड़ा फील है भाई, बहुत ही सही फील, मजा नहीं, लाइफ बहुत ही सही चल रहा है अभी तक। भाई मेरे को एक बात बता। Yes, bro. कैसा लग रहा है वो? Magical, bro. Look. नहीं मतलब अभी एक सीन है ना यार, मेरे को बस एक डर यार, आप लोग इस चीज को सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं, क्योंकि ये हमारा बहुत ही रैंडम डिसीजन था गाड़ी से आने का। मैंने आपको बताया सुबह इशू क्या हुआ, पता नहीं भाई हम लोग ट्रैवलर है, देखो हम लोग को जो एफिशिएंट कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल लगा वो हम लोगों ने किया। आई होप यू नो आप लोग उसको भी सपोर्ट करो जरूर, कमेंट में बता देना जो भी लगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये भी एक अलग फील है। मैंने बोला हम बहुत ही अच्छे व्यू पे रुके हैं, भैया गाड़ी धो रहे हैं फुल एडवेंचर, और इतना ठंडा पानी है, लिटरली इतना ज्यादा ठंडा पानी है, भैया पूरे जो है रिम्स विम्स निकाल के अच्छे से धो रहे हैं, उनकी गाड़ी पूरी धुल चुकी है ऑलमोस्ट आगे से, तो मस्त ये होता है भाई, दिस इज एडवेंचर। ये अगर मैं बाइक पे आता ना ये सब चीजें मैं कभी फील नहीं कर पाता यार, मतलब एक बार तो फील करना चाहिए ऐसा मुझे लगा। और यहाँ से जैसा कि मैंने बोला 50 किलोमीटर ही रह गए, मजा बहुत आ रहा है, भैया ने लिटरली गाड़ी अंदर डाल दी भाई, ये देखो क्लास भाई क्लास।
क्या बोल रहे थे भैया बताओ अभी इनके बारे में। मरमोट 6 महीना बेहोश रहता है ना, ये 6 महीना बेहोश रहता है और 6 महीना जिंदा रहता है। और ये घास खाता है ओनली। हमको वहां दिख रहा है अभी कैमरा में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, बट इसीलिए हमने फोन में दिखा दिया आप लोगों को। पैंगोंग का रास्ता बचा है कुछ दूर, बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे, मिलते हैं पैंगोंग में। पैंगोंग गाड़ी यहाँ लग गई है, व्यू मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। पीछे कैफे देख सकते हो, हाईलैंड वाजवन पैंगोंग कैफे यहाँ है। और मेरे सामने जो मैं विटनेस कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बस कुछ देर और दिखा दूंगा, नीचे जाके दिखाऊंगा ऑब्वियसली। यहाँ से मैं दिखाना चाह रहा था, चलो ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये है भाई अपनी पैंगोंग लेक, बहुत बड़ी 180 किलोमीटर लॉन्ग लेक है ये। कलर देखो यार, मतलब ग्रीनिश, फिर टर्कोइज, थोड़ा ब्लूइश, मतलब बहुत अलग अलग शेड्स हैं, बहुत ही तगड़ा है। नीचे जाके थोड़ा क्लोजली दिखाएंगे अपन। बेसिकली यहाँ हम लोग लंच करने रुके हैं, भूख बहुत लगी है, दिन का 2 बज गया है। पहले खाते हैं फिर जो है वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो भी है नीचे जाके करेंगे। बस इतना ही अपडेट था, पहुँच गए अपन, खाना वाना हो गया था हमारा डन। और आप देख सकते हो यार ये कितना खूबसूरत, लिटरली सो ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। और एक चीज़, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव चीज़ भी बता देता हूँ, इस पे बैठने का और इस पे बैठने का, इस पे बैठने का 50 रुपये, इस पे बैठने का 100 रुपये। बिजनेस खोल के रख दिया है यहाँ अच्छे से। आप बैठो पूरा पहाड़ जो है एंजॉय करो। अपन ने टाइम लैप्स पे लगा दिया जो कि आप इसके बाद देखोगे, पर यार लुक एट इट यार, मतलब जहाँ जहाँ बादल है ऊपर उसका शेडो आपको माउंटेन्स पे देखने मिलेगा। और कलर अभी यहाँ थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, यहाँ थोड़ा ब्लू दिख रहा है, वहाँ थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला। नीचे जाएंगे थोड़ी देर में, वहाँ जाएंगे और वो सारा कंटेंट आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, तो यार आईडी फॉलो कर लो। चलो से तो निकल गए थे, आते वक्त हमारा प्लान था कि ये पॉइंट पे रुके। ये पॉइंट जो है जब तक है जान वाली मूवी में शूट हुआ था, इन्होंने कहते पोस्टर वोस्टर लगा के रखे और पॉइंट का नाम ही जब तक है जान शाहरुख खान शूटिंग पॉइंट। बताओ सही चीज़ है। पर अभी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। टैक्सी का रेट एक बार बता देता हूँ, हमको ये जो टैक्सी पड़ी है 4 लोगों को मिलके 8,000 रुपये भरने पड़े, विच इज़ प्रीटी डिसेंट। हम बाइक से आते उतना ही फ्यूल लग जाता, बट बाइक का इशू था इसलिए नहीं आ पाए। ज़्यादा कंफर्टेबल है हम अभी इस चीज़ को लेके, प्लीज़ बेयर विद इट। अभी और कुछ कर नहीं सकते उस बाइक के साथ हम लोग, देखते हैं विल फाइंड अ सोल्यूशन। बट हाँ ये ब्लॉग पे इतना रखता हूँ, ज़्यादा लंबा रखता नहीं हूँ। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ले अगेन, सेम रास्ता सेम रोड्स, एवरीथिंग इज सेम। और एक मेन बात जो आप बोलनी थी, वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है, यू कैन डेफिनेटली विजिट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, लेह लद्दाख कर सकते हो भाई। अब वेदर देखो, मतलब पूरी तरह ना बहुत प्लेजेंट वेदर है, नो बारिश नो ठंड। देखो लिटरली मैं एक शर्ट में घूम रहा हूँ, तो आप सोच सकते हो कितना इजी वेदर है और राइड वेदर है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। बाकी इस ब्लॉग के लिए इतना ही, कुछ भी मुझसे रह गया आप कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे जरूर पूछ सकते हो। दिस इज विक्रम सेक्शन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, काफी खूबसूरत था। चलो मिलते हैं नए प्लान्स के साथ अगले ब्लॉग में।